Hello learners, welcome to this session of Testbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Testbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Agar aap Testbook Super Coaching platform par nahi hai, to is channel ko subscribe zarur se kar lijiye taki aap koi important update miss na kare. Kisi bhi subscription related courses ke liye aap is number pe contact kar sakte hain. लर्नर्स, ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप. इस ग्रुप के थ्रू हम आपके साथ सेशन के लिंक्स, टाइमिंग्स, पीडीएफ्स और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर करते हैं. सो डू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स. आज का जो सेशन है इसमें हम कवर करेंगे कुछ नए टॉपिक्स जो रिसेंटली पूछे गए हैं, विच आर रिलेटेड टू टीचिंग एप्टीट्यूड. सो कई बार ऐसा होता है कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कुछ नए एलिमेंट्स डाल दिए जाते हैं, तो वो बिल्कुल नया कंसेप्ट निकल के आता है और उसके सभी ऑप्शंस को पढ़ना ज़रूरी है सो दैट वी हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो वी विल बी कवरिंग वन सच क्वेश्चन टुडे एंड दिस सेशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक टू प्रो यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024. सो लर्नर्स, आज देखते हैं क्या वो नया टॉपिक था जिसपे दो क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट दो एग्जाम्स में. सो उनको कंबाइन करके हमने आज के सेशन में इंक्लूड किया है. तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी. तो पूछा गया था इम्प्लिसिट, जैसे पहले क्वेश्चंस आते थे तो टाइप्स ऑफ मेमोरी को कैटेगराइज करना किया जाता था. अब फर्दर उसको सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया जा रहा है, एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट. और फर्दर ये सारे ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना था कि कौन सी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, राइट. तो ये थे आपके ऑप्शंस, सिमेंटिक, प्रोसीड्यूरल, प्रिमिंग, एपिसोडिक और क्लासिक कंडीशनिंग एफर्ट्स. तो आज के सेशन में हम इन सभी के बारे में जानेंगे कि इनका इंडिविजुअल कंसेप्ट क्या है सो दैट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इसे पूरी तरह से समझ सकें, राइट. सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, सी एंड ई, ठीक है. सो अभी हम बात कर रहे हैं, Here we are talking about implicit memory, ठीक है. So अब सबसे पहले तो types जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि implicit और explicit क्या है. तो explicit memory ऐसी होती है जो आपको ध्यान लगाकर, consciously, effort लगाकर याद करनी पड़ती है. तो जैसा कि आप इस picture में देख सकते हैं, ये जो बच्चा है वो calculations को याद करने की कोशिश कर रहा है, formula को याद करने की कोशिश कर रहा है, तो effort लग रहा है, ठीक है. जब भी effort लगता है उसे हम explicit memory कहते हैं. और अगर आपसे पूछा जाए कोई गाने की लिरिक्स, कोई गाना चल रहा होता है तो साथ साथ आपने हो सकता है वो गाना 10 साल पहले सुना हो मगर आपको वो लिरिक्स याद रहती है, उसको आपको कॉन्शियसली याद नहीं करना होता है, तो ऐसी मेमोरी को हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, राइट. तो जिसमें हम एफर्ट नहीं लगाते हैं, हमें याद आ जाती है, उसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट मेमोरी, राइट. तो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द टाइप्स ऑफ सच मेमोरीज वी आर गोइंग टू कवर. सो फर्स्ट इज, जैसे यहाँ पे हमने बात की, यहाँ पे सिमेंटिक है, ठीक है, प्रोसीड्रल है, प्रिमिंग है, एपिसोडिक है, क्लासिकल कंडीशनिंग है. तो किसमें एफर्ट लगता है और किसमें एफर्ट नहीं लगता है. तो बिफोर वी स्टार्ट, जैसे हमने देखा इम्प्लिसिट में एफर्ट नहीं लगता है. सो प्रोसीड्रल मेमोरी इज वन सच एग्जाम्पल, प्रिमिंग इज वन सच एग्जाम्पल और क्लासिकल कंडीशनिंग. इनका मतलब क्या होता है और इसके एग्जाम्पल्स क्या है उसको हम कवर करेंगे. अब जिसमें एफर्ट लगता है या जिसे हम एक्सप्लिसिट मेमोरी कहते हैं, उसमें पहली कैटेगरी में आती है सिमेंटिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी मतलब हम किसी तरह के शब्दों को, इंफॉर्मेशन को जब हम स्टोर करते हैं, और जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन को हम एक डिक्लेरेटिव फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो कई बार सिमेंटिक के साथ साथ डिक्लेरेटिव मेमोरी भी आता है, तो उसमें उसको भी हम एक्सप्लिसिट ही कहेंगे, ठीक है. तो सिमेंटिक मेमोरी हमारा एक्चुअली स्टोर हाउस है, जितनी भी आपको किसी भी बारे में इंफॉर्मेशन पता होती है और मोर और लेस आपकी वो परमानेंट नॉलेज हो जाती है. जैसे आपने किसी टॉपिक के बारे में पढ़ा है, मान लीजिए आप रिसर्च को पढ़ रहे हैं, टाइप्स पढ़ रहे हैं, एक्सपोज फैक्टों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर उसके बारे में जो आपकी आपका ज्ञान है, जो जानकारी है, वो आपकी मेमोरी में स्टोर्ड है और वो वर्क करती है एज सिमेंटिक मेमोरी. तो कई बार हम बहुत चीज़ों को मेमोराइज कर लेते हैं और बहुत चीज़ों को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी सिमेंटिक मेमोरी से निकल के आती है थोड़ा एफर्ट लगाने से. लाइक किसी का बर्थडे कब था, कोई डेट्स एंड इवेंट्स पूछा जाता है, कोई घटना कब घटी थी, ये सारी चीजें जो हम करते हैं ये हम सिमेंटिक मेमोरी के आधार पर करते हैं, बट ये रैंडम नहीं आती है, इसमें हमें एफर्ट लगाना होता है और ये एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोसीड्रल मेमोरी.
प्रेस प्रोसीड्रल मेमोरी किस चीज़ से होती है? ये एक ऐसी मेमोरी है जिससे हम काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप डेली गाड़ी चलाते हैं, आप किस तरह से करते हैं आपको, या आप उसे कॉन्शियसली एफर्ट डाल के याद नहीं करते हैं, राइट? तो अगर आप काफ़ी समय तक वो काम नहीं भी प्रैक्टिस करते हैं तो भी आपके सबकॉन्शियस में वो मेमोरी रहती है और आप उसे वापस से रिज्यूम कर लेते हैं, राइट? तो जैसे हमने कहा कि कोई भी सॉन्ग से रिलेटेड हो, कोई प्रोसेस से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें आपकी क्या रहती है? प्रोसीड्रल मेमोरी होती है, जो कि हमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? अगर एक बच्चे को प्राइमरी स्कूल में सिखाया गया है कि उन्हें शू की लेसेस कैसे टाई करनी है, तो उस प्रोसेस को वो हमेशा याद रखेगा और उसको याद करने के लिए एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अनकॉन्शियसली वो प्रोसेस को करेगा। अगेन, अगर आप कोई चीज प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी प्रोसेस में हैं, तो वो पूरा प्रोसेस आपका वन स्टेप आफ्टर द अदर आप कर सकते हैं विदाउट मच ऑफ एफर्ट, राइट? सो ये इस तरह की प्रोसीड्रल मेमोरी कही जाती है। बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारे फाउंडेशन बैच 2.0 आर ऑलरेडी लाइव, जहां आपको पेपर वन और पेपर टू की क्लासेस मिलती हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट, स्ट्रैटेजी सेशंस, पीडीएफ नोट्स, एग्जाम एनालिसिस आर ऑल्सो बीन कवर्ड। सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट योर सेल्फ इनरोल्ड फॉर अपकमिंग June 2024 एग्जाम। मूविंग अहेड, अनदर कंसेप्ट इज ऑफ प्रिमिंग। प्रिमिंग में क्या होता है? प्रिमिंग में जनरली हम एक इंस्टांस लेते हैं जहां एक स्टिमुलस आपको सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्स से रिलेट कराता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने फास्ट फूड देखा, फास्ट फूड का एडवर्टाइजमेंट देखा टीवी पर, तो आपका जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ रहेगा एज कंपेयर टू सैलड या कोई भी हेल्दी ऑप्शन, राइट? तो प्रिमिंग एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, और कोई भी चीज़ को हम एक ही चीज़ को अगर बार बार देखते हैं, अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन अगर आती है, तो आप उससे रिलेटेड रिस्पॉन्स क्रिएट कर देते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको येलो से आपको प्रिम कर दिया जाए या किसी भी कलर से प्रिम कर दिया जाए, तो आपको येलो ऑब्जेक्ट्स, अगर आपसे कोई नाम पूछा जाए, से फॉर एग्जाम्पल आपने येलो कलर देखा और आपसे कोई नाम पूछा गया कि एक फ्रूट का नाम बताइए, तो आप बनाना बोलेंगे, राइट? तो जो प्रॉम्प्ट आएगा आपका वो बनाना या लेमन्स के लिए आएगा, बिकॉज आपको प्रिम कर दिया गया, आपको ट्रेन कर दिया गया है फॉर अ पर्टिकुलर कलर विच इज येलो। तो प्रिमिंग इस चीज को कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें बहुत कॉन्शियस एफर्ट आपको नहीं लगाना होता है, ये रैंडम, ये एक एफर्ट, अगर आपको थोड़ी देर के लिए रेड के बारे में बताया जाए, रेड कलर के बारे में बताया जाए, उसके यू नो एस्पेक्ट्स को बताया जाए, उसके शेड्स के बारे में बताया जाए, और थोड़ी देर में आपसे पूछा जाए कि एक फ्रूट का नाम बताइए, तो आप बोलेंगे एप्पल, राइट? तो ये एक इंस्टांस है ऑफ प्रिमिंग जिसमें हम एफर्ट्स बिल्कुल नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट इज एपिसोडिक मेमोरी। हमारी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सर्टेन एपिसोड्स पे रेफर करती हैं। जनरली कोई ऐसी बात जो हमारे मेमोरी में स्टोर रहती है, कोई घटना उससे मिलती जुलती होती है, तो आप अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, एक स्पेसिफिक एपिसोड से रिलेटेड याद करते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ टाइम्स बच्चे कोई बात कहते हैं या बच्चों को आप ग्रो करते हुए देखते हैं, तो फिर आपको अपना बचपन याद आता है कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसे किया करते थे। तो ये सारी हमारी किसमें हो जाती है? एपिसोडिक मेमोरी में आ जाती है। तो पास्ट इवेंट से रिलेटेड जो कुछ हुआ था, उस समय हमने कैसा फील किया था, अच्छा बुरा, ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीज लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो होती है मेमोरी, वो हमारी होती है एपिसोडिक मेमोरी। एंड अनदर ऑप्शन जो बोला गया था वो था क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का कंसेप्ट हमने पढ़ा है इवान पावलोव के केस में, जहां एक डॉग को कंडीशन किया जाता है कि उसे खाना देने से पहले हम क्या करते हैं, एक दूसरे स्टिमुलस का को इनिशिएट करते हैं। अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर डॉग के सामने खाना रखा जाएगा तो वो सैलिवेट करेगा, दैट इज बिफोर कंडीशनिंग। बट हमने क्या किया, क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने खाना के साथ बेल रिंग कर दिया, अब वो डॉग उस खाने के जगह बेल के साथ एसोसिएट करेगा, और जैसे ही बेल रिंग होगी वो सैलिवेट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एग्जांपल है, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग का, और ये हमारा बिल्कुल इम्प्लिसिट कैटेगरी में आता है, इसके लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ही घंटी को बजाया जाता था, डॉग सैलिवेट करता था। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी। सो देर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी एंड यू नो हाउ वी कैन कैटेगराइज देम इन इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दैट वी हैव कवर्ड। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द इफेक्टिवनेस ऑफ सपोर्ट मटीरियल। तो हम स्टडी में, क्लासरूम टीचिंग में सपोर्ट मटीरियल्स का यूज करते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो कि सपोर्ट
मटेरियल की इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, कौन से इनमें से कारक है। तो आपको इसका सही आंसर कॉम्बिनेशन में बनाना है एंड यू विल बी शेयरिंग द आंसर विथ मी ऑन ऑन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर। And the foundation batch is already going on, learners, for paper 1 and all the subjects of paper 2 with strategy session, mock test, exam analysis, PDF notes and practice questions. So I hope you found the session to be informative and interesting. Do let me know in the comments and do watch all the classes regularly. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and do join my Telegram channel for all important updates. The PDF of this session will be shared on the Telegram channel. Thanks for watching.